बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदेद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। कल की वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट्स आप दोस्तों के ये थे कि चेहरे के दाग धब्बे किस तरीके से रिमूव करके रंगत को गोरा करना है, क्योंकि रंग तो हमारा गोरा हो जाता है लेकिन चेहरे के दाग धब्बे रंग जितना ज्यादा गोरा होगा उतने ज्यादा वाजह हो जाते हैं। तो चेहरे से हर तरह के निशान, डार्क स्पॉट्स, दाग धब्बे, छाइयों को रिमूव करके रंगत को किस तरीके से चमकाना है, वो भी इतना ज्यादा कि आपकी ब्यूटिशियन नेक्स्ट चक्कर में आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएगी कि आप अपने चेहरे पे ऐसा क्या लगाती हैं, मेरे साथ भी जरूर शेयर करें। हमारे पास ऐसे एक केस है इस रेमेडी को यूज करने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको तरसाते नहीं है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच ऐड करेंगे चीनी। उसके बाद मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल का एक छोटा सा टुकड़ा है, पत्ता है। आपको फ्रेश एलोवेरा जेल अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो ये सोने पर सुहागे वाली बात होगी, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2 चम्मच तकरीबन आपको फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिएगा, कुछ इस तरीके से आप कलेक्ट कर लीजिए। इनकेस अगर आपके पास फ्रेश वाला नहीं है तो किसी अच्छे ब्रांड का आप मार्केट का एलोवेरा जेल भी इसमें 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको एक टमाटर चाहिए होगा। टमाटर को 2 हिस्सों में तकसीम करें और इसका सारा जो जूस है, पल्प है, वो इसके अंदर ऐड कर दें। बीज भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 1 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल इसमें ऐड करें, नारियल का तेल, और 1 चम्मच आप इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन जो आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आपकी होम रेमेडी बनकर हो जाती है तैयार। और यहाँ पे आप मैं बता दूं कि आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले मैं बताऊँ कि 7 दिन के लिए फ्रिज के अंदर इसे स्टोर किया जा सकता है। दिन में किसी भी वक्त इसे अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करके आपने 7 से 8 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। 7 से 8 मिनट लाजमी है, आप 10 मिनट का मसाज भी कर सकते हैं लेकिन 10 से ज्यादा नहीं करेंगे। मसाज आपने हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में करना है, यहां तक कि जब आप 7 से 8 मिनट का मसाज कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी स्किन जो है वो थोड़ी थोड़ी हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे ही आपकी स्किन के अंदर डीपली जाके वर्क करेगा और आपकी स्किन से हर तरह के दाग धब्बे निशानात को मिटा के आपकी स्किन को इतना ज्यादा ग्लास स्किन में कन्वर्ट करेगा कि आपको ये रेमेडी जरूर इंशाल्लाह सूट करेगी। तमाम चीजें इसमें नेचुरल हैं। जो लोग ये समझते हैं कि किसी भी रेमेडी से उनको रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि आप जाने छाइयां नहीं चाहती हैं, तो प्लीज इसको इस्तेमाल करिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी छाइयां या दाग धब्बे किस तरीके से खत्म नहीं होते, आपकी रंगत तेजी से गोरी होगी। 10 मिनट का मसाज कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दूंगी और 5 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। अब आपने नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर देना है। ये तरीका आपने डेली करना है, 15 दिन रेगुलर इसको करिए। 15 दिन के बाद जितने भी चेहरे के ऊपर दाग धब्बे होंगे ना, वो लाइटन होंगे ही होंगे, आपकी स्किन चमकेगी चमकेगी और हर तरह की छाई, दाग धब्बे, निशानात मिटा के आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगी, स्पॉटलेस हो जाएगी, यानी कि दाग धब्बों से पाक हो जाएगी। मेल एंड फीमेल दोनों इससे फायदा उठा सकते हैं। इसको विंटर में इस्तेमाल करें या समर में करें, हर तरह के सीजन में आपको सूट करेगी। और इस एक होम रेमेडी से आपकी स्किन को इतने ज्यादा फायदे होंगे कि आपको एक्स्ट्रा क्रीमें आपकी लाइफ में से निकालनी पड़ेंगी, तो एक ही रेमेडी 100 के ऊपर भारी रहेगी। तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा फायदा उठाएं जितना आपका दिल करे। 7 दिन के लिए इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करिए, उसके बाद न्यू बना लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, किसी से हसद ना करो बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, इस पर जरूर गौर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।